नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह की। विवाह के रूप में आप सभी जानते हैं विवाह किसे कहते हैं। विवाह रूपी संस्था किसी न किसी रूप में विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। विवाह परिवार और नाते का आधार है और हिंदुओं में विवाह संस्था का सामाजिक संरचना में एक विशेष स्थान है और ये विश्व और अन्य समाजों में जो विवाह पाए जाते हैं उनसे अलग है। हिंदुओं में क्या है, विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। वैधानिक अथवा धार्मिक समझौता इसे नहीं मानते, ये एक स्थायी संबंध है। इसका उद्देश्य केवल शारीरिक ना होकर के आध्यात्मिक है। हिंदू विवाह की परिभाषा इन शब्दों में दी जा सकती है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में है जिसमें धर्म, प्रजा उत्पत्ति और रति आदि के भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक प्रयोजनों में से एक स्त्री पुरुष जो है वो परस्पर स्थायी संबंध में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह की इस परिभाषा में विवाह का जो मुख्य उद्देश्य है वो पुत्र प्राप्ति जो है वो न लिख करके प्रजा उत्पत्ति लिखा गया है। इससे यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि हिंदू विचारों में कन्या को पुत्र से हे नहीं माना गया, यानी कि पुत्र और स्त्री और पुरुष का जो है वो समान जो महत्व है वो माना गया है। जो विवाह का अगर शाब्दिक अर्थ है वो उदय अर्थात वधू के वर घर ले जाना है। जो विवाह है वो दो विषम लिंगों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक और कानूनी स्वीकृति है। यानी कि विवाह के माध्यम से ही एक स्त्री और एक पुरुष जो है वो पारिवारिक और सामाजिक धार्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। स्त्री पुरुष और बच्चों को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं में सहगामी बनाना, संतान उत्पत्ति करना, उनका पालन पोषण करना, सामाजिकरण करना विवाह के मुख्य कार्य माने गए हैं। विवाह के परिणाम स्वरूप माता पिता और बच्चे के बीच कई अधिकार और कर्तव्यों का जन्म होता है। हिंदू में विवाह के उद्देश्य हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या हैं, ये माना गया है कि प्रत्येक जो हिंदू का जीवन है वो अनेक ऋणों से युक्त होता है। ये ऋणों में देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण मुख्य ऋण माने गए हैं और हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को ऐसे अवसर और अधिकार प्रदान करना है जिससे वो इन ऋणों से उऋण हो सके। उसमें हिंदू विवाह के उद्देश्यों में जो मुख्य उद्देश्य है वो है धर्म का पालन करना या धार्मिक कार्यों की पूर्ति करना। यानी कि हिंदू विवाह में धर्म और धार्मिक कर्तव्यों को मुख्य स्थान दिया गया है। धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए पत्नी का होना आवश्यक है, अन्यथा वे अपूर्ण माने जाएंगे। और प्रत्येक गृहस्थ से ये अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, नर यज्ञ यानी कि पांच जो महायज्ञ हैं वो करें और यज्ञ में पति और पत्नी दोनों का होना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो सीता जी की अनुपस्थिति के कारण से वह संभव न हुआ और यज्ञ करने के लिए उन्हें सीता जी की सोने की प्रतिमा बनवानी पड़ी थी। याज्ञवल्क्य के अनुसार एक पत्नी के मरने पर तुरंत दूसरा विवाह करना चाहिए वरना धार्मिक कार्य पूरे नहीं किए जा सकते। यही कारण है कि पत्नी को पुरुष की धर्म पत्नी भी
कहा गया है और ये माना गया है कि धार्मिक कार्यों को पूर्ण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा हिंदू विवाह का उद्देश्य माना गया है प्रजा उत्पत्ति। हिंदू विवाह में संतान उत्पत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदुओं में प्रजा उत्पत्ति, प्रजा शब्द का अर्थ अनेक लेखकों ने जो है पुत्र से लगाया है। प्रजा शब्द का जो अर्थ है वो पुत्र अथवा कन्या से भी लिया जा सकता है। यदि इस पे कोई संदेह नहीं है कि अनेक धार्मिक संस्कारों के लिए पुत्र आवश्यक है, जैसे पिंडदान करना, मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले संस्कार केवल पुत्र के द्वारा ही संपन्न किए जा सकते हैं। यही कारण है विवाह की प्रक्रिया में सप्तपदी के समय पहला कदम बढ़ाते ही वर वधु द्वारा यह कामना की जाती है कि हम दोनों मिलकर भोज से पुत्र प्राप्त करें और वे वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाले हों। अनेक जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें भी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। इससे क्या होता है, समाज की भी निरंतरता बनी रहती है, वंश की भी निरंतरता बनी रहती है और संतान ऐसी होनी चाहिए जो लोक इस लोक और परलोक में सुख देने वाली हो। इसके अलावा तीसरा उद्देश्य माना गया है रति आनंद। हिंदू विवाह का तीसरा उद्देश्य रति आनंद माना गया है। उपनिषदों में जो सेक्स सुख है उसको सबसे बड़ा सुख कहा गया है। वात्स्यायन ने रति आनंद की तुलना ब्रह्मानंद से की है। इस प्रकार धर्मशास्त्रों में सेक्स इच्छाओं की को पूरा करना आवश्यक माना गया है, किंतु वो मनमाने ढंग से नहीं है बल्कि समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों से होनी चाहिए। विवाह में रति आनंद को तीसरा स्थान दिया गया है। सबसे पहला धार्मिक कार्य की पूर्ति, तीसरा प्रजा प्राप्ति और तीसरा रति आनंद। इसका उद्देश्य उत्तम धार्मिक संतान की प्राप्ति है। हिंदू विवाह में जो उद्देश्य हैं इन तीनों उद्देश्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्देश्य भी माने गए हैं, जैसे व्यक्तित्व का विकास। स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी विवाह आवश्यक है। विवाह के द्वारा व्यक्ति समाज में अनेक पद और एक भूमिकाएं ग्रहण करता है जिसके पालन से व्यक्तित्व का विकास होता है। नई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालने में समर्थ होता है और विवाह ही जो है वो व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करता है। विवाह करके संतान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को ही शास्त्रों में पूर्ण पुरुष की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार विवाह क्या है, व्यक्ति के विकास, व्यक्तित्व के विकास और संगठन की दृष्टि से आवश्यक है। दूसरा परिवार का निर्माण। हिंदू विवाह का एक उद्देश्य परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना, निर्वाह करना भी होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने परिवार के प्रति कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जिन्हें वह विवाह संपन्न करके ही पूरा कर सकता है। उसमें माता पिता ने उसे जन्म दिया, लालन पालन करके बड़ा किया, शिक्षा प्रदान की, समाज में रहने के योग्य बनाया, उनकी वृद्धावस्था में, बीमारी में, संकट के समय उनकी सेवा करना व्यक्ति का कर्तव्य है, जिसकी पूर्ति विवाह के द्वारा ही संभव है। उसके अलावा समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह। व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल अपने लिए नहीं है, विवाह का उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य भी है। व्यक्ति पर समाज का भी ऋण होता है। मृत व्यक्तियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता को की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वह विवाह करे, नई पीढ़ी को जन्म दे, समाज की निरंतरता को बनाए रखने में योग दे। तो इस प्रकार से हिंदू विवाह धार्मिक कार्यों की पूर्ति करना, संतान उत्पत्ति करना, पुरुषार्थों की पूर्ति करना, स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व का विकास, इन सारे उद्देश्य इसके हिंदू विवाह में माने गए हैं।
जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदू विवाह जो है उसके उद्देश्य सामाजिक व्यक्ति के विकास के साथ साथ सामाजिक विकास की दृष्टि से भी आवश्यक है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो इसके प्रमुख तीन उद्देश्य मैंने अभी आपको बताए, उनसे पता चलता है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया है। हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार माने जाने के पीछे मुख्य कारण ये भी है कि हिंदू विवाह के उद्देश्यों की दृष्टि से यह एक संस्कार है, क्योंकि हिंदू विवाह का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, धर्म का पालन करना, उसका आधार क्या है, धार्मिक आधार है। उसके अलावा उच्च आदर्शों की दृष्टि से भी हिंदू विवाह एक संस्कार है। इन आदर्शों में हिंदुओं में पति पत्नी का जो जन्म संबंध है वो जन्म जन्मांतर का संबंध माना गया है, और स्त्री के द्वारा पति को देवता मानना मुख्य है। हिंदू विवाह में तलाक की बात नहीं की जाती, परित्याग की बात नहीं की जाती। उसके अलावा ऋणों की दृष्टि से भी हिंदू विवाह एक संस्कार माना गया है, क्योंकि विवाह के द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और गृहस्थ बनकर के जो उस पर ऋण माने गए व्यक्ति पर जो उधार है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इन सब से वो मुक्त हो सकता है और अपना जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है उनकी पूर्ति भी विवाह के द्वारा ही कर सकता है। जो मनु है वो विवाह को स्वर्ग की सीढ़ी बताते हैं। उसके अलावा विवाह की पद्धति जो है कि उसका जो तरीका है, जो उसमें धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं हिंदू विवाह में, कन्यादान होता है, होम है, सप्तपदी है, ये सारे के सारे भी उसके संस्कार के स्वरूप को प्रकट करते हैं। उसके अलावा कन्यादान की दृष्टि से हिंदू विवाह एक संस्कार है, क्योंकि हिंदुओं में दान लेना और दान देना पुण्य माना जाता है। आश्रम व्यवस्था और प्रसाद की दृष्टि से भी हिंदू विवाह को एक संस्कार माना जाता है। गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि गृहस्थ आश्रम वो आश्रम है जिसके सहारे तीनों आश्रम ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम रहते हैं, और गृहस्थ आश्रम के बिना व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो ये विभिन्न आधार हैं, इसमें जैसे ब्राह्मणों की उपस्थिति होती है, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, अग्नि की साक्षी होती है, धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान हिंदू विवाह के दौरान किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें उसके धार्मिक स्वरूप को, संस्कार को प्रकट करती हैं, जिस हिसाब से कहा जा सकता है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। डॉक्टर के एम कपाड़िया इन्हीं आधारों पर हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार मानते हैं। इसी के क्रम में हम बात करते हैं हिंदू विवाह के स्वरूपों की या उसके प्रकारों की। हिंदू शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनु, नारद, याज्ञवल्क्य जो स्मृतिकार हैं उन्होंने भी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। उसमें सबसे पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह यह सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और इसमें ये माना जाता है कि जो वेदों का ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुलाकर जो है वस्त्र और आभूषण आदि से सुसज्जित करके पूजा और धार्मिक विधि से कन्यादान करना ही ब्रह्म विवाह कहलाता है। उसके अलावा आर्ष विवाह, इसमें जो है आर्ष विवाह का वर्णन करते हुए मनु ने लिखा है कि कन्या प्रदान करना विधि विद्वाशो धर्म च उच्यते, अर्थात पवित्र धर्म के निर्वाह के उद्देश्य से ऋषि से एक गाय और बैल अथवा इनके दो जोड़े लेकर कन्या के माता पिता उसे ऋषि को पत्नी के रूप में सौंप देते हैं। ऐसा माना जाता है जो ऋषि विवाह का इच्छुक होता था उसे अपने ससुर को एक गाय अथवा एक बैल अथवा इनके दो जोड़े देने पड़ते थे।
और इस प्रकार की भेंट लेकर के कन्या के माता पिता कन्या को ऋषि को सौंप देते थे। इसके अलावा प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह भी जो है वो ब्रह्म विवाह के समान है। इसमें क्या है, लड़की का पिता जो है दोनों को आदेश देते हुए कहता है कि तुम दोनों एक साथ मिलकर एक साथ रहकर आजीवन धर्म का आचरण करो। इसमें याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान अपने वंश की 12 पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती हैं। ये जो विधि, इसे हम प्रजापत्य विवाह कहते हैं। इसके अलावा देह विवाह, देह विवाह में वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित कर कन्या का दान उस यज्ञकर्ता या पुरोहित को करना जो किसी यज्ञशाला में किसी पुरोहित के कार्य को ठीक ढंग से पूरा करता हो, देह विवाह कहलाता है। इस प्रकार के विवाह में कन्या का पिता एक यज्ञ की व्यवस्था करता था और वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित कन्या का दान उस व्यक्ति को करता था जो उस यज्ञ को उचित ढंग से संपन्न करता था। इस विवाह का प्रचलन प्राचीन काल में था, आज नहीं है क्योंकि इस समय यज्ञ का महत्व कम हो गया है। उसके अलावा आसुर विवाह, आसुर विवाह उसे कहते हैं जब विवाह के लिए इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छा से कन्या के कुटुंबियों या कन्या को धन देकर विवाह करता है, यानी कि कन्या के बदले पैसा दिया जाता है। महाभारत काल में पांडु का माद्री के साथ विवाह इसी प्रकार हुआ था। इसके अतिरिक्त धृतराष्ट्र या गांधारी के साथ, धृतराष्ट्र का गांधारी के साथ तथा दशरथ का कैकेयी के साथ जो विवाह था वो इसी प्रकार का आसुर विवाह था। गांधर्व विवाह उसे कहते हैं जब कन्या और वर के परस्पर प्रेम के फलस्वरूप होता है। इसमें वैवाहिक संस्कार काम संयोग के बाद भी पूर्ण किए जा सकते हैं। इस विवाह का उदाहरण दुष्यंत और शकुंतला का विवाह है। कामसूत्र में गांधर्व विवाह को आदर्श विवाह माना गया है। बोधायन का कहना है कि गांधर्व विवाह इसलिए आदर्श अर्थात प्रशंसनीय माना जाता है कि यह दोनों की इच्छा से होता है। उसके अलावा राक्षस विवाह, राक्षस विवाह उस समय प्रचलित था जब स्त्रियां युद्ध का पारितोषिक मानी जाती थी, यानी कि एक जैसे दो राजाओं में युद्ध हुआ और जब जो उनका देश जीत लिया गया तो उनकी स्त्रियों से विवाह कर लेते थे। कि किसी कन्या को जबरदस्ती पकड़ लेना, रोती बिलखती चिल्लाती को उठा लेना या युद्ध में आदमी जीत कर ले आना राक्षस विवाह कहलाता है। यह विवाह उस समय प्रचलित था जब क्षत्रिय लोग युद्ध आदि करते थे और उस समय यह समझा जाता था कि जैसे युद्ध में लूट मार से माल मिलता है वैसे कन्याएं भी युद्ध जीतने का इनाम होती हैं। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को और अर्जुन सुभद्रा को युद्ध में विजित होने पर बलपूर्वक उठाकर जो विवाह किया था वो इसी प्रकार का विवाह माना गया है। उसके अलावा पिशाच विवाह, पिशाच विवाह वो होता है जब कोई सोई हुई या मद्यपान की हुई राह जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद में विवाह करना पिशाच विवाह कहलाता है। इस प्रकार का विवाह सबसे निम्न कोटि का माना गया है। मनु ने इस विवाह की निंदा करते हुए इसे अधर्म और पापिस्ट विवाह कहा है। प्राचीन काल में और आज भी ऐसे विवाह को अस्वीकृति प्रदान की जाती है ताकि शारीरिक संयोग की पवित्रता और सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। आधुनिक युग में केवल ब्रह्म विवाह और जो हैं आसुर विवाह ही प्रचलित हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें कम देखने को मिलती है। गंधर्व विवाह का रूप जो है वो प्रेम विवाह के रूप में हमें जो है वो दिखाई देते हैं। आर्ष और जो प्रजापति विवाह राक्षस विवाह हैं वो पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं। समय के साथ साथ
समाज में परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन का प्रभाव व्यवहारिक संस्था पर भी पड़ा हो है, जिसमें अब हम देखते हैं कि हिंदू विवाह अब एक धार्मिक संस्कार नहीं है, बल्कि उससे संबंधित अनेक धार्मिक क्रियाओं का समावेश था उसमें। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अब विवाह जो है वो स्त्री पुरुष के बीच एक कानूनी समझौता बन गया है। उसके अलावा विवाह संबंधी निषेधों में अंतर, प्राचीन काल में हिंदुओं विवाह से संबंधित गोत्र, जाति, परिवार, जाति परिवार आदि अनेक निषेधों का पालन करना पड़ता था, इससे विवाह का दायरा बहुत सीमित था। जो नवीन विधान में गोत्र, जाति, परिवार से संबंधित बंधन समाप्त हुए हैं, कोई भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख परस्पर विवाह कर सकते हैं और वर्तमान में अंतरजातीय विवाह को भी वैधानिक स्वीकृति प्राप्त है। यद्यपि इससे विवाह के क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आए हैं, फिर भी हम देखते हैं समाज में अंतरजातीय विवाह, अंतर धर्म विवाह जो हैं उसके पक्ष में जो है जनमत तैयार होने लगा है और उससे विवाह का क्षेत्र विस्तृत हुआ है। उसके अलावा विवाह विच्छेद, अब तक क्या था, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार था, जन्म जन्मांतर का बंधन था जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता था, लेकिन 1955 ने दोनों ही पक्षों को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में तलाक देने की सुविधा प्रदान की, इससे स्त्रियों का शोषण समाप्त हुआ, उनके अधिकारों में वृद्धि हुई। उसके अलावा एक विवाह का प्रचलन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा बहुपत्नी बहुपति विवाह समाप्त कर दिए गए और उनके स्थान पर एक विवाह को मान्यता दी गई। अब कोई भी पक्ष पहले के जो विवाह साथी के जीवित रहते हुए बिना तलाक दिए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। उसके अलावा विधवा विवाह की स्वीकृति, हिंदुओं में पहले विधवाओं को विवाह करने की स्वीकृति नहीं थी, किंतु अब कानून के द्वारा ऐसे विवाह को मान्यता प्रदान कर दी गई है और उसे संपत्ति पर भी अधिकार दिया गया है। विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति प्रदान करने के साथ सामाजिक न्याय और मानवीय व्यवहार इनके साथ किया गया। कुछ लोग अब ऐसे विवाहों को करने की सोचने भी लगे हैं और करने भी लगे हैं। उसके अलावा बाल विवाह की समाप्ति, जो नवीन विवाह अधिनियम है उनके अनुसार वर की आयु 21 वर्ष और वधु की आयु 18 वर्ष तय की गई है, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यद्यपि गांवों में इस कानून का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन शहरों में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ बाल विवाह समाप्त हो रहे हैं और उनके स्थान पर विलंब विवाह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि विलंब विवाह से दंपति के स्वास्थ्य की रक्षा, स्वास्थ्य, स्वस्थ संतान, व्यक्तित्व के विकास और जीवन साथी के चुनाव में सहायता मिलती है। उसके अलावा जीवन साथी चुनाव की स्वतंत्रता, पहले जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता नहीं थी, विवाह साथी चुनने का जो दायित्व था वो परिवारजनों पर था, अब वर वधु को अपने जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता है, अपने इच्छानुकूल जीवन साथी से विवाह करने लगे हैं तथा चयन में परिवार और नातेदारियों का हस्तक्षेप कम हो रहा है। उसके अलावा प्रेम विवाह, वर्तमान में प्रेम के आधार पर भी विवाह होने लगे हैं, सह शिक्षा, औद्योगिकरण या विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव के कारण से ऐसे विवाहों को प्रोत्साहन मिला है और नवीन कानून भी उसमें बाधक नहीं है। उसके अलावा अंतरजातीय विवाह, विवाह का दायरा बढ़ने से, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होने से वर्तमान में अंतरजातीय और अंतर धर्म विवाह होने लगे हैं जो पहले निषिद्ध माने जाते थे। हालांकि अभी भी ऐसा करने पर जो है कुछ समाजों में काफ़ी ऑब्जेक्शन रो भी हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा समूह विवाह, वर्तमान में समूह विवाह भी होने लगे हैं कि कई शहरों में संकट काल के दौरान एवं उसके बाद देह से मुक्ति पाने के लिए कई लड़के लड़कियों को एक साथ विवाह आयोजन किया जाता है, इससे विवाह का खर्च कम हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं
हिंदू विवाह में प्राचीन समय से लेकर के अभी तक काफ़ी परिवर्तन हुआ है, जिससे कि एक सामाजिक व्यवस्था में भी एक सुधार हमें देखने को मिलता है।